ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली संकट चौथ व्रत कथा, अर्थात संकटा माता की कथा। बंधुओं, जो कोई भी आज संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा विधि विधान से करते हैं और व्रत करते हैं, भगवान श्री गणेश उनके सभी संकट सदा के लिए दूर कर देते हैं और माता संकटा उन्हें संकटों से हर समय बचाती है। बंधुओं, आज संकट चौथ के दिन सभी संकट चौथ व्रत करें और संकटा माता की इस कथा को सुनें। बंधुओं, भगवान श्री गणेश और संकटा माता आपके सभी संकटों को सदा के लिए दूर करें। बोलो गणेश भगवान की जय, संकटा माता की जय। इस चौथ को तिल चौथ, माही चौथ और संकट चौथ भी कहते हैं। संकट शब्द संकट का अपभ्रंश है। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को कहा था, आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। चौथ के पहले ही दिन तीज को सिद्ध होना चाहिए और मेहंदी लगानी चाहिए। चौथ को तिलकुटा बनाना चाहिए, पहले तिल कुट लेने चाहिए। तिल अच्छी प्रकार कूट जाए तो उसमें गुड़ मिलाकर उसे फिर कूटे। थोड़े से तिल साबुत कहानी सुनने के लिए बचा लेने चाहिए। अब बंधुओं, करना क्या है, एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूं और गुड़ का एक टुकड़ा विनायक के प्रतीक के रूप में रखना चाहिए। एक लोटा पाटे पर रखना चाहिए। एक तश्तरी में थोड़े से गेहूं, साबुत तिल, थोड़ा गुड़, थोड़ा तिलकुटा, रोली, चावल, मेहंदी और पैसे रखने चाहिए। पाटे पर जो गेहूं रखे हैं उस पर यदि उपध्यापन करके चौथ बनवा रखी हो तो चौथ रखो, नहीं तो कोई चांदी की चीज, सिक्का, अंगूठी आदि चौथ माता के रूप में रख कर पूजा करनी चाहिए। पाटे के चारों कोनों पर चार बिंदी कंकु से लगानी चाहिए। लोटे पर साथिया बनावे चांदी की वस्तु और गुड़ के टुकड़े की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। पहले जल का छींटा दो, फिर रोली का टीका लगाएं, चावल लगाओ, फिर लच्छा चढ़ाओ, फिर तिल कुटे से भोग लगाओ, फिर जल का छींटा दो, फिर पैसे चढ़ाओ। साबुत तिल गुड़ और चार चौथ करते हो तो पांच आंखें, और यदि 12 महीने की चौथ करते हो तो 13 आंखें हाथ में लेकर, आंखें अर्थात दाने लेकर कहानी सुननी चाहिए। पाटा उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। दूसरे दिन चांदी की वस्तु तो उठाकर घर में रख लें और पूजन की सामग्री उठाकर किसी पंडितानी को दे दें। कथा सुने तिल व चावल व लोटे से चांद उगे तब अर्घ देना चाहिए। कथा सुने तिल व चावल को उठाकर रख दें, जब चांद उग आए तब अर्घ दें। तिलकुटे पर रुपये रखकर बाइना निकालकर सास, जिठानी या ननद को दे दें और फिर उनके पैरों में माथा टेकें। फिर खाना खाते समय पहले तिलकुटा अवश्य खाएं। संकट चौथ की कथा। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी के धन था और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जिठानी को दे देती थी। इस प्रकार जिठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काट कर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। माघ महीने में तिल चौथ का दिन आया। जेठानी ने व्रत किया, 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुटा यह सोचकर छीके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुटे में
मुंह जूठेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ आई, खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा। बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा ले, जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो भी कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं, तुम्हें ही कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती, घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेकर आवेगी, जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी ना मिली, बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके दो रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोबने से मारा, धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा, रोते रोते वो सो गई। जब सब सो गए तब चौथ विधायक सपने में आए, कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। चौथ विनायक बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दो। जिठानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, देवरानी बचा खुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी ना मिला, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। खा खू कर चौथ विनायक बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। बेचारी जिठानी की छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें कहाँ लैट्रिन थी, कहती वहाँ जाओ, खुद तो सब जंगल में जाते थे। बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ विनायक बोले, अब हम पोछे कहाँ। जेठानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हो, सो बोली, मेरे सिर से पोंछ लो, कहाँ पोंछोगे। सुबह जेठानी उठी, क्या देखती है, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है, सिर पर जहाँ चौथ विनायक पोंछने कर गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती, बड़ी देर तक रहा देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों जाओ ताई को बुला लाओ, सारा काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया, सो बुरा मान गई। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो सारा काम पड़ा है, दुनिया में चाहे और कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम पर भेज दो। बच्चों ने लौट कर माँ को बताया, माँ ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सबर ना हुआ, वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी यह सब कैसे हुआ। जेठानी ने सब बता दिया। लौट कर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस मैंने कभी लोंग की छड़ी से भी तुझे नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं। वह नहीं मानी तो हार कर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झटते ही घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश व चौथ माता सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ विनायक महाराज, उसके यहाँ तो रखा रूखा सूखा चिमटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विनायक बोले, अब निपटे कहाँ। देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर चौथ विनायक ने पूछा, अब घीसनी कहाँ करें। देवरानी ने कहा, मेरे बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठ गई, देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है, उसमें से सड़ान उठ रही है, अर्थात दुर्गंध आ रही है।
कीड़े बिलबिला रहे थे। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे चोत विनायक, यह क्या किया? मुझसे रूठे, जेठानी पर टूटे। देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरता। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की सफाई करने की जितनी कोशिश की उतनी ही गंदगी और ज्यादा होती गई। अंत में हार कर चौथ विनायक से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह किया, इसी का फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के पीछे नीचे गाड़ दी। उसने सोचा, उसका किसी को पता नहीं, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे चोत विनायक, अब तो अपना वह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई पड़ी हैं, उनकी भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटने लगे। हे चौक विनायक, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। इसके बाद इस कथा के आंखें तो पल्ले में बांध लेनी चाहिए और चांद उगे तब इन आंखों अर्थात चावलों से अर्घ देना चाहिए और नए चावल प्लेट में से लेकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। इन चावलों से उसी समय सूरज को अर्घ दे देना चाहिए। पहले रोली का छींटा देकर तिलकुट्टे से जिमाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ के समय आंखें और चांदी की वस्तु हाथ में रख लेनी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय, संकट चोत माता की जय। बंधुओं, यदि किसी ने उद्यापन करना हो तो मैं आपको उद्यापन विधि भी बता रही हूँ। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उस साल तिल चौथ का उद्यापन करना होता है। साल भर में चार उद्यापन होते हैं, तिल चौथ का उद्यापन उनमें से एक है। तीन पाव तिल आधा किलो गुड़ मिलाकर सवा किलो का तिलकुटा बनाएं, चाहे तो ढाई किलो का भी बना सकते हैं। तिल गुड़ अंदाजे से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक थाली में तिलकुटा रखकर उस पर एक ब्लाउज या ब्लाउज पीस रखकर थोड़े गोटे के तार भी लपेट देने चाहिए और पीस पर अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें। कथा कहानी कहने के बाद थाली पर हाथ फेर कर हाथ जोड़ कर धोक देनी चाहिए। कहना चाहिए, हे चोत माता, बहुत उद्यापन करवाना, जिनके लिए कर रही हूँ उनकी सहायता करना। फिर थाली सास को दे देनी चाहिए। सास ब्लाउज पीस व रुपये तो खुद रख ले और तुलकुटा सब जगह बांट दे, थोड़ा घर में खाने के लिए रख ले। यदि वैसे ही चौथ का उद्यापन करना हो तो पहले बताया वैसे ही करें। सभी चौथ का उद्यापन एक ही तरह होता है। इसमें औरतों को जिमाने के समय थोड़ा थोड़ा तिलकुटा भी खाने को दे देना चाहिए। चाहे तो जो बर्तन औरतों को दिए जावे उसमें भी थोड़ा थोड़ा तिलकुटा डाल कर दिया जा सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।